संपूर्ण भारत वर्ष को आप सबको दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं, और दिवाली है, अच्छे से मनाओ। राज्य अधिकांश देखा जाता है हिंदू त्यौहार तभी जब आते हैं, किसी न किसी के द्वारा स्टेटमेंट जारी किया जाता है, चाहे आपकी होली हो चाहे दीपावली हो, कि रंगों से न खेले, पानी बर्बाद न करें होली पर, और फटाखों पर प्रतिबंध या पटाखे न जला, प्रदूषण होता है, और अन्य जो पंथों के त्यौहार उन पर क्यों टिप्पणी की जा रही, क्या ये देश का दुर्भाग्य है कि जब भी सनातन हिंदू धर्म के त्यौहार आते हैं तो कोई ना कोई कानून की तिरंगा की बात करता है, रोक लगाता है, रोक लगाने की मांग करता है। अब किसी ने हमको, अब कल ही हमने एक न्यूज़ देखी थी, उसमें कहा है कि जितने दीयों में तेल जलाया जाता है, घी जलाया जाता है, इतना अगर गरीबों में बांटते हैं तो भला हो जाएगा। हम उन महाशय महामूर्खानंद को कहना चाहते हैं कि इस देश में बकरीद भी तो होती है, बकरीद बंद करवा दो, उतने रुपया जो लाखों की बकरे काटे जाते हैं, जीव हिंसा भी बचेगी, उन रुपयों को गरीबों में बांट दो। एक साहब ने कहा कि जो है पटाखों से प्रदूषण होता है, 1 जनवरी को इनका ज्ञान फिर गायब हो जाता है, हैप्पी न्यू ईयर के नाम से पूरी दुनिया में पटाखे होते हैं तब प्रदूषण नहीं होता है, लेकिन दिवाली आती है तो प्रदूषण होता है, होली आती है तो पानी खराब होता है, और तो खून खराबा होता है तब नहीं मानते, तब ये स्टेटमेंट नहीं देते, तब ये मांग नहीं करते, तब ये कानून लाने की बात नहीं करते। ये दो पक्षीय नियम लगाने की जो बातें करते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर ही हमें सुतली बम रखवाना है। भैया हम तो दिवाली अच्छे से मनाएंगे, सुतली बम खरीद लिया और कुछ नहीं।